আজি ইসলাম ধর্মাবলম্বীর শবে বারাত রমজান মাহর পনেরো দিন পূর্বে পালিত হওয়া শবে বারাতর রাতে ঘরতে থাকি নামাজ কোরআন পড়িবলৈ আহ্বান। মসজিদ কবরস্থানলৈ নগৈ ঘরতে থাকি নামাজ কোরআন পড়িবলৈ অনুরোধ করে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল, মেম্বর অফ পার্লামেন্ট লোকসভা আসাম, রুকন শুরা দারুলুম দেওবন্দ আসাম, জমিয়ত উলামা কা সদর, আপসে এক জরুরি মামলে মুখাতব হুঁ। বড়ি মুশকিল সে আজকাল যে করোনা ভাইরাস ইয়ে পুরে দুনিয়া মে ছা রহা হ্যায়, হিন্দুস্তান মে ইসকি তাদাদ দিন ব দিন বাড়তি রহি হ্যায়, বাড় রহি হ্যায়, জো হামারে লিয়ে তশবিশনাক হ্যায়। বড়ি মুশকিল সে মসজিদো পে আলহামদুলিল্লাহ মে সমঝতা হুঁ উলামায়ে কিরাম কি মেহনত সে, দানিশওয়ারো কি মেহনত সে, মিডিয়া কি মেহনত সে মসাজিদ মে জুমা কা জানা আব তকরিবন বন্ধ হো গিয়া হ্যায়। লেকিন হামারে মুসলমান ভাই আব ভি বাজারো সে অর সব জগো মে দেখা যাতা হ্যায় বহুত বদ এহতিয়াতি কর রহে হ্যায়। মজিদ এহতিয়াত কি জরুরত হ্যায়, আপনে আপকো বচাইয়ে, কিসি পর এহসান মত কিজিয়ে, আপনে বচ্চো পে এহসান কিজিয়ে, আপনে বিবি পর এহসান কিজিয়ে, আপনে রিশতেদারো পে এহসান কিজিয়ে, আপনে পড়োসিও পে এহসান কিজিয়ে, আপনে মুল্ক কে বাসিন্দো পে এহসান কিজিয়ে, স্টেট কে বাসিন্দো কো এহসান কিজিয়ে, আপনে উপর এহসান কিজিয়ে। আল্লাহ কে ওয়াস্তে আব ভি ঘর মে ঘুস জাইয়ে, সেফ ডিস্টেন্স জো মেনটেন করনে কে লিয়ে কাহা গয়া ভো করিয়ে, সরকার জো জো নির্দেশ দে রহি হ্যায়। ये मेडिकल आप हॉस्पिटल में जाते हैं कोई नई बात नहीं है, अफसोस की बात है कुछ लोग ये कहते हुए देखे जाते हैं कि हम मास्क नहीं पहनेंगे। हॉस्पिटल में जब आईसीयू में किसी को देखने जाते हैं मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते, कौन सी नई बात हो गई, आसमान टूट पड़ा। इसलिए बड़े अफसोस की बात है, हर बात को जो है मजहब से जोड़ के पूरी दुनिया में मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे लोग जो दीन से ना बलद है बिल्कुल, आठ दिन में भी जुम्मा की नमाज में भी नहीं जाते, ईद की नमाज में आते हैं, ऐसे लोग भी मसले के तौर पर बहस करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। डॉक्टर जो कहता है वो आपको करना पड़ता है। इस वक्त हुकूमत और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने वतन के लोगों को सबको बचाने के लिए आप कुछ मत करिए, किसी पर एहसान मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते अपने आप पर एहसान कीजिए। इसी के बाद आज मैं ख़ास करके हमारे सामने शब-ए-बरात है, यह हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़े बरकत की रात है। इसमें लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मस्जिदों में भर भर के जाते हैं, इसलिए मस्जिदों का मसला तो पहले से हल हो चुका है, मस्जिदें यकीनन बंद रहेंगी, हर जगह लोग बंद रखेंगे। कब्रिस्तान में जाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, मजबूरी है तो भाई अपने घरों में रहिए, वालदेन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए ईसाले सवाब करना है पढ़ पढ़ के सवाब कीजिए, घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, उम्मत के लिए अच्छाई के फैसले हों, अल्लाह ताला बीमार को इस दुनिया से भगा दें, अपने आप के ऊपर भी कोई मुसीबत ना आए, दूसरों पर मुसीबत ना आए, आपके लिए ज़िंदगी के लंबी उम्र लिखी जाए, ये सब चीज़ों के लिए दुआएँ मांगिए। भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रात को इबादत में गुजारिए और अल्लाह ताला से खैर आफियत की दुआएं मांगिए। वहाँ भीड़ भाड़ करना, पुलाव बनाना, लोगों को दावतें खिलाना, ये सब चीज़ कहीं भी नहीं है मेरे भाई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपने घरों में बैठिए और अल्लाह अल्लाह कीजिए, और मस्जिदों में भीड़ करने से बचिए, बिल्कुल ना करें, कब्रिस्तान में भी भीड़ ना करें, ताकि वहाँ पर किसी भी बीमारी ना फैले। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं दानिश्वरान कौम अपने अपने इलाकों में, उलमाए किराम अपने अपने इलाकों में, सब लोग मिलके मुसलमान भाइयों को हाथ जोड़ के अपील करें कि आप शब-ए-बरात में कहीं ना निकलिए, अपने घर में रहिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, पूरी उम्मत के लिए और वतन के लोगों के लिए दुआ कीजिए, पूरे दुनिया के मरीजों के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।